महोबा जिले के कुलपहाड़ निवासी मनमोहन सोनी द्वारा पीतल से तैयार की गए कमलकृतियों को आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों को स्मृति चिन्ह के तौर पर भेंट करने वाले हैं। दुनिया भर से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए पीतल से तैयार 50 कलाकृतियां दिल्ली भेज दी गई हैं। महोबा के कुलपहाड़ कस्बे में रहने वाले मेटल आर्टिस्ट कलाकार की धूम विश्व में प्रमुख देशों को दिखाई देने वाली है। छोटे से नगर के मेटल आर्टिस्ट को यूपी हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम ने मनमोहन सोनी की बनाई इस कलाकृति को 8 माह पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। तब मनमोहन को UPHMDC ने 50 कलाकृतियों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। G20 समिट को लेकर इसे दिल्ली भेजा गया है। खास बात यह है कि 2016 में आयोजित होने वाली बीजेपी की परिवर्तन रैली में बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी को पीतल से बनकर तैयार हुए कमल के फूल का मेमेंटो भेंट किया था। अब ये कमल 5 इंच का है जो बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें 8 छोटी पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं। ये कमल की पंखुड़ियाँ खुली हुई नज़र आने से ये बेहद खूबसूरत हो जाता है। मनमोहन सोनी और उनके परिवार पिछले 30 वर्षों से इस कलाकृति को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मेटल आर्टिस्ट मनमोहन बताते हैं कि आज इस कमल को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान मिलेगी, जिसको लेकर हम बेहद खुश। क्या बुंदेलखंड का नाम आपने रोशन किया है, क्या नाम है आपका, किस तरह कब से ये काम कर रहे हैं और किन किन तरह के आपको पुरस्कार मिल चुके हैं? हमारा नाम मनमोहन सोनी, कुलपहाड़ जिला महोबा उत्तर प्रदेश। तो ये काफ़ी 30 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पिताजी के ज़माने से जो काम चल रहा। पहले वो पिताजी हमारे सोने चांदी का काम करते थे, उन्हीं के द्वारा हमने ये कार्य को सीखा है और हमें कई पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार, स्टेट अवार्ड और मास्को से प्रशंसा पत्र भी मिले। वहाँ भी प्रदर्शनी लगाई है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की, कई प्रदर्शनी में भाग ले चुके हैं। क्या क्या तैयार करते हैं आप बना के? पीतल की कलाकृतियाँ हैं, हाथी घोड़े से लेकर कई प्रकार के, जो भी सामने आएगा डिजाइनदार अच्छे से अच्छे बनाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन अपने देश में होने जा रहा है, इसको लेकर आपने क्या तैयार किया है और क्या भेजा है वहाँ पर, कितने? ये उधर के लिए G20 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से हमें 50 पीस कमल का ऑर्डर मिला है, तो अब उधर के लिए भेज दिए गए हैं। क्या तैयार किया है आपने, किस तरह का मेमेंटो? हमने इस तरह के कमल के फूल पीतल के खुलते हुए तैयार किए हैं, जो G20 में हमें 50 पीस का ऑर्डर मिला है, तो जिसके लिए ये तैयार करके भेज दिए गए हैं। हम एक बुंदेलखंड के गौरव की बात है जो आज हमारी कलाकृति को चयन किया गया है। हमें बड़ी खुशी हुई है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का भी नाम होगा जो हमारे क्राफ्ट को चुना गया है।